بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. किताब रियाज़ुस सालिहीन में से हमने पिछली मरतबा जिस बाब के मुताले का आगाज़ किया था उसका उन्वान था अल वसीयतु बिन निसा, औरतों के बारे में हुस्न सुलूक, उसकी तलकीन, उसकी ताकीद। पहली जो रिवायत आज हमें पढ़नी है वो मुत्तफ़क अलैह रिवायत है। अन अब्दुल्लाह इब्ने ज़मआत रज़ी अल्लाह तआला अन अन्नहु समिअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने ज़मआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा इरशाद फरमाते हुए सुना। वज़कर नाक़ता वल्लज़ी अक़रहा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू में, अपने वाज़ में उस ऊँटनी का तस्करा किया और उस बदबख्त शख्स का तस्करा किया जिसने उसकी कूँचें काट डाली। ये कौम समूद का वाक़या है, जब कौम समूद की फरमाइश पर अल्लाह ताला ने एक जो है वो पहाड़ी को फाड़ के उसमें से एक ऊँटनी को बरामद किया और सैयदना सालिह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसके बारे में अल्लाह से डरो। और कहा कि एक दिन इसकी बारी मुकर्रर होगी घाट से पानी पीने की और एक दिन बाकी कौम की होगी। और कहा कि इसको बुराई की निगाह से न देखना या बुरा हाथ इस पर न डालना, इस पर कोई तादी, कोई इकदाम न करना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँटनी का तस्करा किया और उस बदबख्त शख्स का तस्करा किया जिसने उसकी पूँछें काट डाली। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुरान मजीद की आयत का एक टुकड़ा तिलावत किया। इज़ इम्बासा अशकाहा, जब उनमें से खड़ा हुआ एक शख्स जो उनमें का सबसे बदबख्त, नामुराद, शकी आदमी था। फिर आपने फरमाया, इम्बासा लहा रजुलुन अज़ीज़ुन, खड़ा हुआ उस ऊँटनी पर इकदाम करने के लिए एक शख्स के जो बहुत ताकतवर था, बेमिसल था, आरिमुन, बहुत ही शरीर था, मनीउन फी रहतिही, ताकत वाला था, उसको अपने कुंबे कपीले की सपोर्ट भी हासिल थी, हिमायत भी हासिल थी, वो शख्स खड़ा हुआ। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कुछ तफसीलात बयान की होंगी। फिर उसके बाद अगला हिस्सा आपके खुतबे का वो था जिसका ताल्लुक इस बाब से है। और फिर फरमाया, सुम्म ज़करन निसा, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन का तस्करा किया। फवाज़ फ़ीहिन्ना, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हवाले से वाज़ किया, कहा कि भाई उनका ध्यान करना, उनके हुकूक अदा करना, उनके साथ हुस्न सुलूक का मामला करना। और उसके ज़ैल में आपने फरमाया, यामिदु अहदुकुम फयजलिदु इमरातहु जल्दल अब्द, कि तुम में से कोई शख्स उठता है और अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, ऐसे जैसे कि ग़ुलामों को पीटा जाता है। फ़लअन्नहु युज़ाजिउहा मिन आखिरि यौमिही, हालांकि इस बात का इम्कान है कि हो सकता है कि उसी औरत को जिसको वो मार रहा है, मार पीट कर रहा है, बुरी तरह मार रहा है, उसके साथ उस दिन के आखिरी हिस्से में वो मुजामात करे, उसके साथ हमबिस्तरी करे। अभी इस हवाले से हम बात करते हैं। उसके बाद एक अगला हिस्सा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ फरमाया, सुम्म वाज़हुम फ़ी ज़हकिहिम मिन अज़्ज़रतति, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की ज़र्ता के हवाले से कि उस पर लोग हंसते हैं। ज़र्ता कहते हैं यानी इंसान के जिस्म से हवा खारिज होना आवाज़ के साथ। तो कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हवाले से लोगों को तलकीन की, नसीहत की। और आपने फरमाया कि लिमा यज़हकु अहदुकुम मिम्मा यफ़अल,
कि तुम में से कोई शख्स ऐसी बात पर क्यों हंसता है, ऐसी बात को मज़हके का मौजू क्यों बनाता है जिसका इर्तिकाब वो ख़ुद भी करता है। इंसान के जिस्म से हवा का खारिज होना और आवाज़ के साथ हवा का खारिज होना ज़ाहरी बात है ये इंसान के इख्तियार में नहीं होता आमतौर पर। तो कहा कि एक ऐसा अमल कि जो तुमसे भी सरज़द होता है, एक बिल्कुल तबीई अमल है, तो कहा कि इस पर तुम लोग क्यों इसको मजाक का मौजू बना लेते हो, क्यों इसको हंसी का मौजू बना लेते हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, रोका कि भाई इस तरह के मामले को हंसी का मौजू ना बनाओ, एक ऐसी चीज़ कि जो तुमसे भी सरज़द होती है और जब तुमसे सरज़द हो और तुम्हारी इस हरकत पर लोग हंसेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ज़ाहिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो किसी और के साथ अगर ये मामला हो तो तुम्हें भी उसको हंसी मजाक का तमस्कुर का मौजू नहीं बनाना चाहिए। अब जो दरमियान का हिस्सा है जो असल में इस बाब से जिसका ताल्लुक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उठता है और अपनी बीवी को बेतहाशा मारने लगता है, ऐसे मारता है जैसे ग़ुलामों को पीटा जाता है, और हो सकता है कि फिर दिन के आखिरी हिस्से में जो इंसान के अंदर एक तलब रखी गई है उसकी तस्कीन के लिए तुम आपस में मिलो और तुम अपनी बीवी से वो तस्कीन हासिल करो। तो गोया ये चीज़ इंसान की अकल के भी ख़िलाफ़ है, मुरूवत के भी ख़िलाफ़ है, समझदारी के भी ख़िलाफ़ है कि इंसान इस तरह का रवैया इख्तियार करे। और जो यहाँ कहा गया ना कि तुम पीटो अपनी बीवी को ऐसे जैसे तुम ग़ुलामों को पीटते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ग़ुलामों को तो पीटने पर कोई मुआखज़ा नहीं है, ग़ुलामों को तो जैसे मर्जी इंसान पीटे मारे उस पर इंसान का कोई एहतसाब नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे ही है जैसे हम मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं कि भाई फ़लाँ आदमी जो है वो फ़लाँ को जानवरों की तरह पीट रहा था, जैसे जानवरों को मारा जाता है। लेकिन हमें मालूम है कि जानवरों को भी हम बेतहाशा नहीं मार सकते, जानवरों को भी हम ताज़ीब नहीं दे सकते। इसी तरीके से ये कहना कि इस तरह पीटता है जैसे ग़ुलामों को पीटता है, तो ये मतलब नहीं है कि ग़ुलाम चूँकि ममलूक है तो उनके साथ जो चाहो करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने के उर्फ के मुताबिक बता रहे थे कि उस ज़माने में तसव्वुर ये था कि जो ग़ुलाम होते हैं ये ममलूक होते, और ममलूक होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका आका उन पर हर तरह का इख्तियार रखता है, चाहे तो मारे पीटे, चाहे तो एक जानवर की तरह उसको ज़िबह भी कर दे तो उसका कोई मुआवजा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हवाले से भी हमें तलकीन फरमाई है, यानी जो कहा गया है ना कि अजाब नहीं देना, ताज़ीब नहीं देनी, ज़्यादती नहीं करनी। जो एक हदीस कुदसी में आता है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू। ऐ लोगो, मैंने अपनी ज़ात पर भी जुल्म को हराम ठहरा लिया है, तुम्हारे दरमियान आपस में भी जुल्म को हराम ठहराया है, तो एक दूसरे पर जुल्म न करो, एक दूसरे पर ज़्यादती न करो। तो ये जो दूसरा है ये दूसरा सिर्फ इंसान नहीं है, ये जानवर भी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्त नकारत का इजहार किया, सख्त आपने नापसंदीदगी का इजहार किया जब आपके सामने ऐसे मामलात आए कि लोग अपने जानवरों को जो है वो बहुत ज़्यादा पीटते हैं। और जानवरों तक के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि जानवरों तक के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कभी उनकी तादीब के लिए, तरबियत के लिए उनको मारना पीटना पड़े तो उनके भी चेहरे पे ना मारा जाए। और दाग लगाया जाता था इस ज़माने में मुतय्यन करने के लिए, निशान जद करने के लिए जानवरों को, तो वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जानवरों के भी चेहरे पर दाग ना लगाया जाए। तो इसी तरीके से जो ग़ुलामों का मामला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बहुत लोगों को तलकीन फरमाई है। एक मौके पर एक सहाबी थे सैयदना अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि कुंतु अज़रिबु ग़ुलामन ली बिसौतिन, मेरा एक ग़ुलाम था मैं उसको कोड़े से मार रहा था तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, एलम या अबा मसूद, एलम या अबा मसूद, ए अबू मसूद जान लो, ए अबू मसूद जान लो। तो मैंने देखा वो साहब मेरे करीब आ गए, तो मैंने देखा कि नबी अकरम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने मुझे फरमाया कि जान लो एलम या अबा मसूद, इन्नल्लाहा यक़दिरु अलैका मिनका बिहाज़ल ग़ुलाम, अल्लाह ताला को तुम पर इससे ज़्यादा कुदरत हासिल है जितनी कुदरत तुम्हें इस ग़ुलाम पर हासिल। वो कहते हैं कि मेरे हाथ से कोड़ा गिर गया और मैंने कहा कि अल्लाह के नबी हुर्रुन लिवजहिल्लाह, ये जो ग़ुलाम है मैं इसको अल्लाह की रज़ा के उसूल के लिए आज़ाद करता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि नहीं नहीं
इसमें ऐसी क्या बात है, ये तो छोटी सी बात थी, तुमसे कोताही हो गई। आपने कहा कि अगर तुम ऐसा न करते तो कहा कि तुम्हें आग छूती, तुम जहन्नुम में जाते अगर तुम ये ना करते। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान अपने किसी खादिम को, किसी ग़ुलाम को नाहक मारे, पीटे, उसको थप्पड़ मारे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसका कफ़ारा फिर ये है कि तुम उसको आज़ाद कर दो। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम एक ग़ुलाम के ऊपर जो है एक मालिक के तौर पर रह सको। तो बहरहाल यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एक मुहावरे के तौर पर फरमाया कि जिस तरीके से लोग जो है वो बिल्कुल जानवरों की तरह अपने ग़ुलामों को पीटते हैं, तुम भी अपनी बीवी को ऐसे पीटो और फिर उस दिन के आखिरी हिस्से में तुम्हें उससे ताल्लुक़ कायम करना हो तो इस बात का ध्यान करो, और ये तुम्हारी शराफत और मुरूबत और अक़ल के भी ख़िलाफ़। इस हवाले से जो अगली अब रिवायत है जिसमें तस्करा होता है ख़वातीन के हवाले से तादीब का, उनको सज़ा देने का, तो उससे अगली एक रिवायत है। अन अमर इब्न अल-अहवस अल-जुशमी रज़ी अल्लाह तआला अन अन्नहु समिअ अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतिल वदा। तो सैयदना अमर इब्न अल-अहवस अल-जुशमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाते हुए आपको सुना। यकूल बाद अन हमिद अल्लाह तआला व अस्ना अलैहि व ज़क्करा व वअज़ा। इसके बाद कि आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, आपने लोगों को नसीहत की, आपने लोगों को वाज़ किया, सुम्म क़ाल, और इस वाज़ के दौरान आपने ये भी फरमाया अला वस्तौसू बिन निसाई खैरा, ए लोगो आगाह हो जाओ और मुझसे औरतों के बारे में भलाई की नसीहत कबूल करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। फ़इन्नमा हुन्ना अवानिन इंदकुम, कि बेशक वो तुम्हारे पास एक तरह से असीर के तौर पर हैं, कैदी के तौर पर हैं, यानी एक कैद वो होती है जो नाखुशगवार होती है, जो अज़ियत वाली होती है, और एक कैद का मतलब क्या होता है, एक हिफाजती हिसार का होना। ज़ाहरी बात है कि औरत जो है, हमारे यहाँ उर्दू मुहावरे में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ खातून को कैद निकाह में ले आए, तो यहाँ कैद कोई नेगेटिव मानों में नहीं है, इन मानों में है कि ज़ाहरी बात है कि मर्द निगरान है, मर्द हाकिम है और औरत उससे सबसर्वियंट है, घर के इदारे के अंदर वो उसके ताबे है, और वो ज़ाहरी बात है कि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर घर से बाहर नहीं जा सकती, मर्ज़ी के बग़ैर किसी को उसकी इजाज़त के बग़ैर या उसकी मंशा के बग़ैर घर में किसी को बुला नहीं सकती। तो कहा कि वो तुम्हारे पास एक तरह से असीर के तौर पर हैं, तुम्हारी निगरानी में है, तुम्हारी हिफाज़त में है। लैस तमलिकून मिन्हुन्न शैअन गैर ज़ालिक, तुम्हें उनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है सिवाय इसके। सिवाय इसके का मतलब क्या है, जो ताल्लुक़ ज़नो शौ का मामला है उसका तुम्हें इख्तियार हासिल है, इसी तरीके से जो मारूफ़ में इताअत है उसका तुम्हें हक हासिल है, फिर इस बात का तुम्हें इख्तियार हासिल है कि तुम पाबंदी लगा सकते हो कि फ़लाँ फ़लाँ लोग जो है वो मेरे घर में दाखिल नहीं होंगे, और किस बात का इख्तियार है कि वो औरत अपनी इस्मत के मामले में और शौहर के माल के बारे में जो है वो अमानतदारी का रवैया इख्तियार करे। तो कहा कि इस हद तक तो तुम्हें इख्तियार है उन पर, इल्ला यतीना बिफाहिशतिन मुबैशिना, हाँ अगर वो किसी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें, अगर वो ऐसा कोई मामला करें जिसमें बेहयाई का पहलू है, तो कहा फ़इन फ़अलना, अगर वो ऐसा करें, फ़हजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजे, तो फिर तुम जो है उनको अलग कर दो बिस्तरों में, उनके बिस्तर अलग कर दो। वज़रिबूहुन्न ज़रबन ग़ैर मुबर्रिहिन, और उनको ज़रब लगाओ एक ऐसी ज़रब के जो हल्की हो, जो मुशक्क़त वाली तकलीफ़ दे ना हो। फ़इन अतानकुम, और अगर वो तुम्हारी इताअत कबूल कर लें, फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला, तो फिर उन पर इल्ज़ाम और अज़ियत की राहें न ढूँढो, बहाने बहाने से उनको अज़ियत देना, उनको तकलीफ़ देना, उन पर इल्ज़ाम लगाना, इसके लिए राहें मत ढूँढो। ये असल में कुरान मजीद में जो आयत आई है उसी की एक वजाहत है, उसी की एक तफसील है। ख़ुद कुरान मजीद में बयान हुआ कि वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, कि वो औरतें जिसके बारे में तुम्हें नुशूज़ का अंदेशा हो, और नुशूज़ किसे कहते हैं, नुशूज़ का तर्जुमा अक्सर तर्जुमे में और तफसीलों में किया जाता है सरकशी, नाफरमानी, कि अगर तुम ये देखो कि बीवी जो है वो सरकशी कर रही है, बीवी तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है, या जिस तरह यहाँ फरमाया, यहाँ नुशूज़ की एक वजाहत खुद रसूलुल्लाह ने फरमा दी कि नुशूज़ का मतलब क्या है, बेहयाई का इर्तिकाब,
औरत का बीवी का किसी गैर मर्द की तरफ माइल होना, उसकी तरफ झुकना या उसके साथ कोई गलत ताल्लुक कायम करने की कोशिश करना, ये अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर ऐसा हो, जिसको कुरान मजीद ने कहा है कि नुशूज़, अगर वो नुशूज़ करे, सरकशी करे, बगावत कर दे, तो खुद कुरान मजीद ने क्या कहा, फ़ाइज़ू हुन्ना, तो पहले तो उनको वाज करो, नसीहत करो, समझाओ, बताओ कि ये रवैया ठीक नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के ख़िलाफ़ है। अगर बात न बने तो कहा कि फिर आगे फरमाया फहजुरू हुन नफिल मजाजे, फिर उनको उनकी आराम गाहें, उनके सोने का मामला अलग कर दो, और अलग कर दो। और अगली रिवायत में आता है जो आप हम आगे पढ़ेंगे कि उनको वला तहजुर इल्ला फिल बैत, कि उनको ना छोड़ो, उनसे अलहदगी ना इख्तियार करो मगर घर में। एक मतलब इसका ये लिया गया है कि भाई उनसे अलहदगी इख्तियार कर लो टेम्प्रेरी तौर पर कुछ मुद्दत के लिए, और वो भी कहा है कि घर में, ये नहीं है कि उनको अलहदा कर लो, उनसे ताल्लुक ज़नो शौ ख़त्म कर लो और घर से निकाल दो, या उनको जो है उनके वालदैन के घर भिजवा दो। कहा घर ही में बिस्तर अलग कर लो ताकि ये बात वाज़े हो जाए कि शौहर की नाराज़गी वाज़े हो जाए। और यहाँ जो फरमाया कि वला तहजुर इल्ला फिल बैत, इसका ये तर्जुमा भी है कि अलहदगी मत इख्तियार करो मगर घर के अंदर, घर के अंदर बिस्तर के मामले में। यानी हिजरान जो है ये नहीं है कि कलाम बंद कर दो, बोलचाल बंद कर दो, बल्कि मतलब ये है कि उनसे अलहदगी इख्तियार कर लो कुछ मुद्दत के लिए। और उसमें भी बहुत से फुकहा ने ये बात लिखी है और कहा है कि वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो जो रिवायतें हैं ना जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे, उसके साथ हिजरान इख्तियार करे। तो पहला स्टेप ये बताया कि अगर सरकशी हो और अगर बगावत हो, या यहाँ जो कहा है कि खुली बेहयाई हो, तो कहा पहले समझाओ, अगर ये वो चीज़ कारगर नहीं है तो बिस्तर अलग कर लो। और आखिरी बात क्या फरमाई, वज़रिबू हुन, कुरान मजीद में तो इतनी बात है कि फिर तुम उनको मार सकते हो। और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्वालिफाई किया है, उसको वाज़े किया है कि मारने का मतलब क्या है, वज़रिबू हुन ज़रबन गैर मुबर्रह, कि तुम उनको मार सकते हो ऐसी मार कि जो ज़्यादा ना हो, जो शाक ना हो, जो मुशक्क़त वाली ना हो। और आप ताबईन से लेकर हमारे असलाफ़ के अकवाल पढ़ लें, वो इसको वाज़े करते हैं कि इसका मतलब क्या है। वो ये बताते हैं कि इसका मतलब ये है कि जैसे आप कोई मिसवाक लें और मिसवाक मार दें। अब ज़ाहिर है मिसवाक मारना तो इसका मतलब ये सिम्बॉलिक है, और आप किताबें पढ़ें फिका की किताबों में तो कहते हैं रुमाल ले लो, रुमाल का ऐसे उसको घुमा के उसको ऐसे मार दो। या कुछ लोगों ने कहा जिसको स्टैब करना कहते हैं ना, कि कहीं कंधे पे जैसे एक हाथ मार दो। तो ये उसकी तफसीलात बयान की गई हैं, फुकहा ने इसकी वजाहत की है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि भाई वज़रिबू हुन ज़रबन गैर मुबर्रह, कि ऐसी ज़रब लगाओ जो निशान ना छोड़े, जो शदीद ना हो, जो सख्ती वाली ना हो। क्योंकि ये बात हम पर वाज़े रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को कि जो ऊपर होते हैं, जो गालिब होते हैं, और जिनके नीचे कुछ लोग होते हैं, उनको ये इजाज़त दी है कि वो तादीब कर सकते हैं, तादीब के लिए सज़ा दे सकते हैं। इस तरह वालदैन को हक हासिल है कि वो तादीब के लिए, अदब सिखाने के लिए बच्चों को सज़ा दे सकें। जिस तरह उस्ताद का ये हक है और हमेशा रहा है कि वो अपनी जो है शागिर्दों को कोई सज़ा दे सके, वैसी ही सज़ा है। लेकिन हर जगह हम भी पढ़ते हैं, फुकहा ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ईज़ा मकसूद नहीं है, ईलाम यानी अलम मकसूद नहीं है, ताज़ीब मकसूद नहीं। और ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़े की है, कुरान मजीद में भी वाज़े की है। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इहतमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना, कि वो लोग जो अहले ईमान मर्दों और औरतों को अज़ियत देते हैं बग़ैर उनके किसी इल्ज़ाम के, तो उन्होंने तो बहुत बड़ा गुनाह कमाया और बहुत बड़ा बुहतान करवैया इख्तियार किया। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उनको तुम ज़रब लगा सकते हो लेकिन गैर मुबर्रह। और अगली रवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वला तज़रिबिल वज्ह, चेहरे को नहीं मारना, चेहरे पर मारना किसी सूरत जायज़ नहीं है, ना बीवी के लिए, ना किसी गुलाम के लिए, ना किसी और शख्स के लिए। तो चेहरे को नहीं मारना। और आगे फरमाया कि वला तुकब्बिह, और उनको बार बार बुरा भला कहना, बदसूरती के ताने देना, या बार बार मलामत करना, जजर करना, उनको बर्बादी की दुआएं देना, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अपनी बीवी के साथ ये रवैया इख्तियार न करो। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फिक्र पूरी बताई है कि अगर औरत की तरफ से सरकशी, फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सरकशी,
यानी सालन में नमक कम पड़ गया है या कपड़े सही तरह से इस्त्री नहीं कर दिए हैं या शौहर के मिजाज के मुनाफी कोई बात हो गई है, उस पर अपनी बीवी को मारना इसका कोई जवाब नहीं, इसकी कोई शरी हैसियत नहीं। जो लव बयान हुआ है वो नुशूज बयान हुआ है और मारने का मतलब वो है जो अल्लाह के नबी ने वाज़ कर दिया और फिर मुहद्दिसीन और शारहीन ने उसकी वजाहत कर दी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।